हम ले लेंगे 1.5 कप मैदा। इसको मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। अब हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। देखिए, जो चम्मच आप घर में यूज़ करते हैं वही एक छोटी चम्मच 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डाल लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे और नमक। वैसे तो इसमें हल्का नमक पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम दही ले लेंगे और दही से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपने अंदाजे से इसमें पानी डालते जाएंगे। थोड़ा अपना ध्यान रखना है आपको कि डो आपका ज़्यादा गीला नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालना है। हमें रनी बैटर नहीं बनाना है। धीरे धीरे अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास ईस्ट है तो इसमें ईस्ट डाल दीजिए। आज मैं बिना ईस्ट के डाल रही हूँ। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप ईस्ट डाल दीजिए, नहीं तो इस बैटर को आप 10 या 12 घंटे के लिए बना के, या तो आप इसको गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए, या जो पॉली सीट्स आते हैं उनसे आप इसको कवर कर सकते हैं। देखिए, अब ये हमारा थोड़ा थिक हो गया है। अब हम इसमें इसे अच्छे से मसल लेंगे। हल्का सा ये अभी हमारे चिपक रहा है हाथों में, तो आप ये नहीं सोचना कि ज़्यादा गीला हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। नहीं, अब इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अच्छे से इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर ऑयल आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसमें बटर भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा बहुत गीला हो जाता है तो आप इसमें 1-2 टीस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे पॉली सीट से ढक के रख दूंगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसमें ईस्ट यूज़ कर लीजिए और 2-3 घंटे बाद बना लीजिए। और आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे रात में तैयार करके रख दीजिए 10 या 12 घंटे के लिए। लेकिन आपके बहुत आपको किसी गर्म जगह पे इसको नहीं रखना है। आप इसे नॉर्मल जगह पे रखें, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो वहाँ नहीं रखना है। अब हम इसे टाइट करके रख देंगे। इसमें हम जीरा डाल देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें प्याज को डालेंगे। ध्यान रहे हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का ही पकाना है। और आप चाहें इसमें वो सब्जी ले सकते हैं, डाल सकते हैं जो आपके घर पर हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां मैंने डाली हैं आप वही डालें। जो आपके घर में सब लोग पसंद करते हैं आप वो सब्जियां डाल सकते हैं। ये हल्का सा प्याज हमारा भुन गया है, थोड़ा सा और। सिर्फ 1 मिनट तक इसको हम अच्छे से चलाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 by 1 सारी सब्जियां। तो हमने इसमें टमाटो को डाल दिया है। टमाटर अच्छे से देखिए अच्छे से भून रहे हैं। अब हम गैस को सिम कर देंगे और अब हमने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च। इन सारी सब्जियों को हम पतला पतला काट लेंगे। ध्यान रहे कि खीरा मैंने लिया है, लेकिन हम ऐसे इसके साथ नहीं डालेंगे। हमने डाल दी है बंद गोभी, पत्ता गोभी और ये मटर। हम खीरा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि खीरा तो वैसे ही कच्चा खाने में अच्छा लगता है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डालेंगे।
थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हल्की सी, सिर्फ हाफ टी स्पून से भी कम। काली मिर्च पाउडर एक पिंच, अब हम इसमें डाल देंगे ऑरिगेनो या पिज्जा सीजनिंग। इसको जो हम पहले से डाल देंगे तो हमें पिज्जा में ज़्यादा डालनी भी नहीं पड़ेगी और सब्जियों में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी, क्योंकि जो हम पिज्ज़ा में डालते हैं तो बस वो हम ऊपर ऊपर डाल देते हैं। तो बस अब हम इसको हटा के रख देंगे और अब हम अपना जो हमने डो तैयार किया है उसका हम बनाएंगे पिज्ज़ा बेस। तो आइए हम पैन की गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे हम सिम कर देते हैं। और ये डो जो हमारा देखिए अच्छा सा तैयार था, फर्मेंट था, तो अब हम इसे हल्का सा, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे इसे हम, और इसमें थोड़ा सा सूखी मैदा को लगा के और बस हम इसको तैयार करेंगे। जितना हो इसे हम हल्के हल्के हाथों से ही कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप इसे बेलन से भी कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे। हल्का हल्का सा, ना तो हमारा पिज्ज़ा बेस बहुत मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। ये जो मैंने अपना चकला लिया हुआ है ये मेरे पास गोल सर्कल में है, तो मैं इसी के नाप से अपना पिज्ज़ा बेस तैयार करूँगी और देख लूँगी कि साइडों से वो ज़्यादा मोटा नहीं हो। अब हम घर में बना रहे हैं तो ऐसी चीज़ तो बनाएंगे नहीं कि जो बच्चों को नुकसान करे या कुछ। तो बस हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए हमारा पिज्ज़ा बेस बनके तैयार हो गया है। हमने पैन की गैस ऑन कर ली थी, अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा और डाल देती हूँ। इसको पूरे में अच्छे से फैला देंगे जिससे कि पिज़्ज़ा नीचे से इसमें कलर अच्छा आएगा। चिपकेगा तो नहीं ये, लेकिन ये इसमें कलर अच्छा आएगा। देखिए अब हम अपने घर के फोक से इसे लेके इस तरह से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि हमारा पिज्ज़ा बेस ठोस नहीं बनेगा, अच्छे से फूलेगा। जब हम मठरी बनाते हैं तो जो गोल वाली मठरी बनाते हैं उनमें हम छेद कर लेते हैं ना, जो पूड़ी की तरह फूल नहीं जाए, इसीलिए हम इसमें भी छेद कर लेंगे अच्छे से। आइए अब हम इसको डाल देते हैं पैन में। देखिए मेरे जितनी बड़ी मेरी तिवाई है उतना ही बड़ा मेरा पैन है। देखिए अब बस मैं इसको ढक के रख देती हूँ सिम पर 2 या 3 मिनट के लिए। जैसे ही ये हल्का ब्राउन हो जाएगा नीचे से बेस, वैसे ही हम इसको पलटेंगे और हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। अच्छे से का मतलब है पीछे का बेस हम थोड़ा ठीक से सेक लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पलट देंगे और जब तक सब्जियाँ पकेंगी तब तक ये अच्छे से नीचे से भी पक जाएगा। देखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए एक बार हम देख लेंगे। हम घर पर बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको संभाल के पलट दूंगी। नहीं, इस पर हम हल्का सा ऊपर की तरफ बटर लगा देंगे और इसको हम पलट देंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से फूल गया है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है।
अब हम इसको गैस को सिम रखेंगे और अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने पिज्जा टॉपिंग घर पर बनाई है। देखिए मैं इसका भी वीडियो आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम उसको पूरे बेस पे लगा देंगे। ये पिज्जा टॉपिंग भी बहुत टेस्टी बनी है। इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाए ये। तो अब हम इसमें डालेंगे चीज़। आपको मोज़रेला चीज़ आपके पास हो तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई ऐसा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो आपके पास चीज़ हो नॉर्मल वाला, आप वो भी डाल के एक बार बना के ट्राई कीजिए घर पर। देखिए चीज़ बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, बड़ों को थोड़ा कम पसंद आता है, इसलिए ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा चीज़ डाल रही हूँ। जो सब्जियाँ मैंने अच्छे से पका कर रखी थी अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको संभाल के डेकोरेट कीजिए या फिर ऐसे ही डाल दीजिए। कलर तो सब में अच्छा ही आने वाला है, और बच्चे तो बस कलर को देख के एकदम पागल हो जाएंगे। जो सब्जियां बच्चे नॉर्मल नहीं खाते हैं वो सब्जियां आप पिज्ज़ा में डाल दीजिए और फिर देखिए कि कैसे वो बैंगन और तोरई भी खा लेंगे। एक दिन मैं आपको बैंगन और तोरई का भी पिज्ज़ा बना के दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि बच्चे कैसे उसे मज़े से खाते हैं। ये मैंने कॉर्न्स थोड़े से पहले से भिगो लिए थे, नमक डाल के इनको मैंने बॉइल कर लिया है क्योंकि कॉर्न्स काफ़ी देर में पकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अलग से बॉईल करके रखा हुआ था। तो थोड़े से मैं इसमें कॉर्न्स डाल दूंगी। देखिए इसमें अब मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी क्योंकि मैं नमक और वो उसमें डाल चुकी हूँ, तो आपको नमक तो ठीक लगेगा ही। तो इसमें मैंने ये हल्का सा ओरिगैनो डाल दिया है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा तो नहीं डालना है, कितना डालना है क्वान्टिटी। वैसे ये हाफ टी स्पून डल जाएगा। अब मैं इसमें घर की ही चिली फ्लेक्स डाल दूंगी थोड़ी सी। वो कह देते हैं चिली फ्लेक्स, और आप घर पर रेड चिली जो आपकी घर पर हरी मिर्चें होती हैं जो, उनको जब आप सुखा लेते हैं तो रेड चिली फ्लेक्स बन जाती है। उसको हल्का सा क्रश करके बस मिक्सी के जार में आप रख लीजिए। और देखिए ये मैं वही डाल रही हूँ। देखिए ये घर की ही चिली फ्लेक्स है, इसको भी आप डाल सकते हैं। जब तक मैंने सब्जियां और वो सब सेट किया तब तक मुझे लगता है नीचे से हमारा पिज्ज़ा बेस तैयार हो गया है, तो ये बहुत हार्ड नहीं हो जाए। इसलिए हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब बस सिर्फ 1 मिनट में ही हमारा पिज्ज़ा बेस पिज्ज़ा तैयार है। देखिए हमारा पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हल्का सा चीज़ और डाल देंगे। देखिए मेरे पास कटर नहीं है, लेकिन मैंने जो इसमें हम लोगों ने छेद किए थे ना, उसकी वजह से एकदम अच्छे से कट के आएगा। देखिए अब देखिए ये आपको डोमिनोज जैसा लग रहा है या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, अब खाने में कितना लजीज है ये तो बच्चे ही बताएंगे।